पेंट, प्लाईवुड एवं हर प्रकार की हार्डवेयर से संबंधित आइटम खरीदने के लिए संपर्क करें छाबड़ा हार्डवेयर बड़ा बम मिश्रा हॉस्पिटल के सामने। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में हुई बारिश और नर्मदा वैली में अचानक हुई बारिश से 23 गेट ओमकारेश्वर के और इंदिरा सागर बांध के भी खोले गए। लगातार गेट खोले जाने को लेकर ओमकारेश्वर में बाढ़ जैसी परिस्थिति निर्मित हो गई और स्थानीय लोगों का कहना है कि इतना पानी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। ओमकारेश्वर मंदिर के पास भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी चला गया, जिसके चलते दुकानदारों को, घर वालों को नुकसान हुआ। जहाँ पर भक्त निवास है, गजानन आश्रम है, वहाँ पर भी पानी आ गया था। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा पानी ओमकारेश्वर में था। इन सब विषयों को लेकर स्थानीय रहवासियों और कांग्रेस नेता उत्तम पाल ने शिवराज सिंह चौहान और स्थानीय प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा के अनावरण को लेकर पानी को डैम में रोका गया और जब बारिश अचानक इतनी हो गई तो बिना कोई बहुत ज़्यादा सूचना दिए अचानक गेट खोल दिए गए, जिससे लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला और पानी ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई। इस बात को लेकर स्थानीय रहवासी नाराज भी हैं और आर्थिक मदद की मांग कर रहे हैं। आइए स्थानीय रहवासियों से हमारे स्थानीय प्रतिनिधि अर्पण दुबे ने बात की, उनकी बात आपको सुनवाते हैं। इस समय हमारे साथ बाढ़ से पीड़ित यहाँ के वरिष्ठ वकील श्री मनीष पुरोहित जी हैं। बताइए पुरोहित जी, ओंकारेश्वर में कल जो एक भयानक त्रासदी हुई, यहाँ पे ये जो बाढ़ आई ये कृत्रिम बाढ़ थी। इसकी ये पूरी तरह से प्रशासन की नाकामी का कारण थी। विगत 15 दिनों से शंकराचार्य जी के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम के लिए जो पिछले घाट पे एक रपटा बना हुआ उसको खुला रखने के चक्कर में इन्होंने पानी का स्टोर किया और एकदम से जब पानी ऊपर से प्रेशर पड़ा, जब एकदम से पानी छोड़ दिया, जान माल की बहुत नुकसान हुआ है लोगों को और इसके लिए पूरी तरह से प्रशासन जवाबदार है। ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, इसको प्रायोजित है। मतलब ये अगर चाहता प्रशासन इसको तो मेंटेन कर सकता था, पर उन्होंने केवल मुख्यमंत्री जी को खुश करने के लिए कार्यक्रम को, मतलब शंकराचार्य जी का जो कार्यक्रम है इसको करने के लिए पूरे ओंकारेश्वर की जान और यहाँ की नुकसानी पूरी दाव पे लगा दी। इसके लिए प्रशासन को जवाब देना चाहिए और दो जवाबदार लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए। हमारे साथ इस समय सांसद प्रतिनिधि गजेंद्र अग्रवाल जी हैं। आप बताइए भैया कि जो कल अचानक से जो जलस्तर बढ़ा, इसकी सूचना है अलर्टनेस रूप से या हेल्प के रूप से प्रशासन का कोई आया अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी या लोकल अधिकारी लोग पहुंचे या फिर कोई अलर्टनेस करने पहुंचे, क्या हुआ बताइए जल स्तर के बारे में, आप क्या कहेंगे जो नुकसान हुआ है बाढ़ अचानक से आई है? देखिए ऐसा है, जो नर्मदा जी का जल स्तर था, मेरी 48 साल उम्र है और जीवन में पहली बार मैंने इतना पानी बढ़ते हुए देखा है। जो सूचना तंत्र था वो प्रशासन का इतना कमज़ोर था कि 9 बजे 37,000 क्यूमिक्स पानी छोड़ा जाना बताया गया कि छोड़ा जाएगा और उसकी सूचना मात्र 1 घंटा पहले मिली। तो 1 घंटे के अंदर आदमी कितना सामान हटा लेगा, कितना अपना बचाव कर लेगा। तो सबसे पहले हमने हमारी जान की रक्षा करी और हमारे महिला बच्चों को लेके हमने सुरक्षित स्थान पर पहुँचे। रही बात माल की, तो वो नर्मदा जी के भरोसे छोड़ दिया, जितना कर पाया उतना हटाया, बाकी पूरा का पूरा सुहा हो गया। ऐसा मेरा ही नहीं, ओंकारेश्वर में लगभग 90% लोगों का इसी तरह का हाल है। और जो बाढ़ अचानक से बढ़ी और इसके लिए कोई अलर्टनेस वगैरह दी गई थी आपको? बाढ़ जो बढ़ी उसका कोई अलर्टनेस नहीं था और हम तो एक प्रश्न करना चाहते हैं बांध प्रबंधन से कि बांध बाढ़ रोकने के लिए होता है या बाढ़ फैलाने के लिए होता है? जब ओंकारेश्वर को पानी की आवश्यकता अधिक होती है उस समय नदी को पूरी सुखा दी जाती है और जिस समय पानी की आवश्यकता नहीं रहती कि भैया पानी नहीं चाहिए उस समय बाढ़ ला दी जाती है, तो ऐसा कैसे? बांध पानी रोकने के लिए है, जनता को मुसीबत से बचाने के लिए है कि मुसीबत देने के लिए? जब आपको बोलते हैं कि बरगी या जबलपुर से पानी छोड़ा जा रहा है तो उस समय 32,000 या 16,000 जो भी क्यूमेक्स पानी छोड़ने का आर्डर आता है उसको आने में लगभग 24 से 18 घंटे का समय लगता है, तो उसके पूर्व बाढ़ प्रबंधन यहाँ से 8,000 या 10,000 क्यूमेक्स पानी क्यों नहीं छोड़ता कि उधर से आए तो लेवल मेंटेन करें? ये बताते हैं कि ये कार्यक्रम के चलते बांध वालों ने पानी रोक के रखा था, बताइए इस बारे में। आ रहा है कि जब ऊपर का पानी बरसात विगत 3 दिनों से 4 दिनों से हो रही है और वो पानी स्टोर हुआ, इसके लिए स्टोर करा वो पानी, जनता का ये कहना है कि
जो पुल है, जो शंकराचार्य पे जाने का पुल है, वो पुल ना डूबे उसके लिए उसको स्टोर करके रखा गया। और एकदम से फिर जाने के बाद में पानी एकदम से छोड़ा, जो कि इतना विकराल रूप लेके नर्मदा ने अपना रूप दिखाया और इतनी जन इतनी मात्रा में माल हानि हुई। देखिए, सभी लोगों का यही कहना है कि एक कार्यक्रम के कारण, केवल एक दिन के एक व्यक्ति की वजह से इस नुकसान को हजारों लोगों को झेलना पड़ा है, लोग प्रभावित हुए हैं। में जाएंगे, पार जाएंगे। ओमकारेश्वर का एक एक आदमी यही कह रहा है कि बिना सूचना के इनने पानी छोड़ा, हमको अगर टीम में 3 घंटे 4 घंटे का भी अगर समय मिल जाता तो ये नुकसान नहीं होता। तो इतना मोटा नुकसान हुआ है, कोई आश्रमों का रुपये का सामान बर्तन रह गए, छोटी छोटी दुकानों के सामान रह गए। आप पार जाएंगे, पार में पूरी जो लाइन है वहाँ मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं, वहाँ पर कम से कम 8-10 फीट पानी था और वो लोग ऊपर छत पे होने के कारण सिर्फ सामान रहा है, जन हानि नहीं हुई है। ये बहुत एक अच्छा हुआ, नहीं तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता। मेरा यह कहना है पूरा प्रशासन शिवराज सिंह जी की भक्ति में लगा हुआ था और उसी के कारण जो है पानी नहीं छोड़ा। शिवराज सिंह जी का कार्यक्रम होने के बाद पानी अचानक इनको छोड़ना पड़ा, इसलिए इसकी जिम्मेदारी जो है प्रशासन और NSDC की है। इनको समय से पानी अगर छोड़ते रहते इतनी मोटी घटना नहीं होती, लोगों का इतना मोटा नुकसान नहीं होता। इसलिए जो है इसकी पूरी जवाबदारी जो है वर्तमान में सरकार की है, उनके जनप्रतिनिधि की है, प्रशासन की और NSDC की है, पूरी जवाबदारी प्रशासन। जी हाँ, अब आपके घर को सुंदर बनाने की जिम्मेदारी हमारी। फिर चाहे पुट्टी हो या कलर, प्लंबिंग फिटिंग्स हो या सैनिटरी फिटिंग्स, प्लाईवुड वर्क हो या हो इंटीरियर डेकोरेशन, पूरे खंडवा में अब सबसे किफायती रेट पर अमन छाबड़ा का छाबड़ा हार्डवेयर, कर्मवीर कॉम्प्लेक्स के सामने बड़ा बम खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए।